दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर अपने करियर की शुरुआत डेप्यूटी कलेक्टर के पद से करता है, मगर कई राज्य अपने लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट सर्विस कमीशन के जरिए भी अपने राज्यों में डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्टिंग करता है। तो आज के वीडियो में हम आपको डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट के बारे में सारी जानकारी देंगे। ये कैसे रिक्रूट होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, उनकी क्या पावर्स होती हैं, सैलरी क्या होती है, पर्क्स क्या होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम है ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचें इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है डेप्यूटी कलेक्टर की जिम्मेदारियाँ, सैलरी और सुविधाएँ। तो कई स्टेट्स में डेप्यूटी कलेक्टर और एसटीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का पद बराबर होता है। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों ही इस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट्स करती हैं, और इन दोनों में दो फर्क होते हैं। यूपीएससी अपने आईएएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग इस पद पर करती है, जबकि स्टेट कमीशन एग्जाम के टॉप रैंक होल्डर्स को ही इस पद पर अपॉइंट करती है। और दूसरा ये कि यूपीएससी के ऑफिसर को इस पोस्ट पर 4 से 5 साल काम करना होता है, लेकिन जो स्टेट से रिक्रूट होने वाले ऑफिसर्स हैं वो इस पोस्ट पर 9 से 10 साल तक काम करते हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां स्टेट सर्विस कमीशन बीडीओ को कुछ साल काम करने के बाद इस पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि एसडीएम के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हें क्या पावर्स दिए जाते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सब डिविजन्स होती हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी एक एसडीएम के ऊपर होती है। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सेकेंड इन कमांड होता है। एक एसडीएम को अपने इलाके की प्रशासन से जुड़ी हर मामलों की देखरेख करनी होती है। तो इसके अंतर्गत वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, लैंड सर्वे, रेवेन्यू कलेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट और सरकार की पॉलिसीज़ को लागू करना शामिल है। कई जगहों पर एसडीएम को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रियल पावर्स भी मिले होते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो वहाँ कुछ दीवानी मामलों की सुनवाई भी अपने स्तर पर कर सकता है। इसके अलावा वो कुछ मामलों में रेड मारने और इंक्वायरीज करने की भी उसमें शक्ति होती है, और वो अपने सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक्स और सर्कल्स के ऑफिसर्स जैसे कि बीडीओ, सीओ या तहसीलदार का रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, जबकि उसे खुद अपने डिस्ट्रिक्ट का डीएम को रिपोर्ट करना होता है। चलिए अब बात करते हैं पर्क्स की। तो एक एसडीएम की जॉब बहुत ही डिमांडिंग होती है और उसे हर वक्त ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ता है। उसकी कोई फिक्स्ड वर्क टाइमिंग नहीं होती, तो इतनी मुश्किल नौकरी के लिए जो एसडीएम है उनको काफ़ी सुविधाएं भी दी जाती हैं। उनको एक बड़ा सा घर मिलता है जिसमें सर्वेंट क्वार्टर्स भी होते हैं, और ये घर उसे या तो बिन किसी रेंट के मिलता है या फिर उन्हें बहुत कम रेंट देना पड़ता है। और घर में उसे एक नौकर, माली और एक असिस्टेंट भी मिलता है, और उन्हें सरकार की तरफ से एक गाड़ी और ड्राइवर भी दिया जाता है। और अगर एक एसडीएम की पोस्टिंग किसी सेंसिटिव इलाके में है तो उन्हें और उनके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है, और घर में मिलने वाली सुविधाओं में सब्सिडाइज रेट्स पर इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, इंटरनेट इत्यादि भी शामिल है। इसके अलावा यदि वो किसी दूसरी जगह या ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल टूर पर जाते हैं तो उस जगह वो सरकारी गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में रुक सकते हैं, और यदि उन्हें किसी काम से दिल्ली आना हो तो वो अपने राज्य के भवन में भी रुक सकते हैं। अगर वो स्टडी टूर पर जा रहे हों तो वो सरकारी खर्चे पर 2 साल के लिए जा सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन और मरने के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की सुविधा भी सरकार देती है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो एक एसडीएम अपने स्टेट का ग्रेड ए ऑफिसर होता है। वो एक गजेटेड ऑफिसर होता है। उनकी जो ग्रेड पे है वो 5,400 से शुरू होती है, और उनकी सैलरी 50,000 से 60,000 के बीच में होती है। और अगर कोई एसडीएम सरकारी आवास में नहीं रह रहा है तो उन्हें एचआरए अलग से दिया जाता है, और प्रमोशन के बाद वो 6,600 की ग्रेड पे में आ जाते हैं। तो अब जब हमने आपको एसडीएम के बारे में इतनी जानकारी दे दी है तो आशा यही है कि आपको परीक्षा की तैयारी के लिए ज़रूर मोटिवेट कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस हैं, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।